हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए चावल का एक टेस्टी नाश्ता, जो रात में हम लोग चावल बनाते हैं बच जाता है उसका बनाइए आप, और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये पानी लिया मैंने घोल बनाने के लिए। एक कप मैंने बेसन लिया है, उसे छान लिया है। और ये मैंने कुछ वेजिटेबल लिया है, एक शिमला मिर्च, एक टमेटो का मैंने बीज निकाल लिया है, शिमला मिर्च का भी, और एक प्याज और एक छोटा गाजर, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। शिमला मिर्च, टमेटो और प्याज को मैंने कट कर लिया है बारीक, और बीज निकाल लिया है। और एक टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने नींबू का रस लिया बड़ा, और नींबू का रस अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और 1 टेबल स्पून मैंने छोटा मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर लिया है, तीनों मिक्स है। 1 चुटकी खाने वाला सोडा, नमक स्वाद के अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और कम तीखी वाली मिर्ची लिया मैंने 2, बड़े साइज का कट कर लिया है। ऑयल लेंगे हमें जितना ज़रूरत होगा, 1/4 कप हरा धनिया और 1/2 कप दही। तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम चावल में सारे वेजिटेबल को मिक्स कर लेंगे, टमेटो, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हर एक चीज आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपका बचा हुआ चावल है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, उसे भी मिक्स कर लेंगे। आप तीखा भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल को। और बाकी चीज़ डालेंगे अजवाइन, चिली फ्लेक्स, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और खाने वाला सोडा जो काली मिर्च, हल्दी थोड़ा सा और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने वो, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और हरा धनिया। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिला लेती हूँ, और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसमें हम डालेंगे दही, और दही खट्टा नहीं है, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही लीजिए आप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और इसमें हम डालेंगे बेसन, और दोबारा करके अच्छे से मिक्स करेंगे, बेसन को भी इसके साथ में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, और कोई लम्स ना रहे इसमें। तो अच्छे से ऐसे मिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसे। और बाकी भी बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, और नींबू का रस अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं डालना है एक साथ में पानी हमें। और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे घोल को, अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो और पानी हम डालेंगे बाद में। इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे हम ढक के 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे। तो इसे 15 मिनट हो गया है रेस्ट करते हुए, और अभी हम ढकना ढक के देख लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और गैस पे मैंने तवा रख दिया है, तवा हमारा गर्म हो रहा है, तो हम इसे बना लेते हैं।
तो ये मैंने गैस पे तवा रख दिया, तवा हमारा गर्म हो गया है और थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे तवे पर और ऐसे फैला लेंगे। और आप चाहिए तो नॉन स्टिक पैन पे भी बना सकते हैं, उस पर और अच्छे से बनेगा, लेकिन तवे पे भी अच्छे से बनता है। तो मैं तवे पे बना के दिखा रही हूँ आपको। और जो हमने घोल बनाया था बैटर, वो डालेंगे उसके ऊपर। तो ये मैंने घोल को डाल लिया है और इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। और हर साइड से एक जैसा कर लेंगे, बना लेंगे। और गैस को मैंने एकदम कम रखा है, एकदम कम आंच पे इसे हम पकाएंगे दोनों साइड से अच्छे से। तो इसे मैं पकने देती हूँ और थोड़ा सा साइड से हम ऑयल डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देंगे। जब ये पलटी मारेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पकने देंगे नीचे से, फिर पलटी मारेंगे। और अभी गीला रहेगा, अगर पलटी मारेंगे तो टूट जाएगा, तो इसे ध्यान से पलटेंगे। तो ये एक साइड से अच्छे से पक गया है नीचे से, देखिए ऊपर का भी पक गया है, तो ये इसका कलर चेंज हो गया है। तो ऐसे हमें ऊपर से भी अच्छे से पक जाने देना है, नीचे से पक जाए, और गैस को एकदम कम रखना है और इसे हम ध्यान से पलटेंगे, टूटे नहीं। और थोड़ा देर इसे हमें पकाएंगे, कम आँच पे ही पकाना है हमें, फिर सब साइड में करेंगे। तो इसे हम पलट लेंगे ध्यान से, थोड़ा सा टूट गया ये, हल्के से धीरे से आपको पलट दिया और ये पक गया है दोनों साइड से। तो इसे हम निकाल लेंगे और दूसरा भी हम बना लेंगे दोनों साइड से। देखिए अच्छे से ये पक गया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और हम दूसरा बना लेंगे। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये मैंने निकाल लिया है और थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। फिर से बैटर के ऊपर डालेंगे और ऐसे करके हम सारे बना लेंगे। अच्छे से घोल को मिक्स कर लीजिए आप और उसके बाद इसमें हम डालेंगे। ऐसे करके हम सारे बना लेंगे। तो इसे भी हम पलट लेंगे इसे, और इसे पका लेंगे दोनों साइड से अच्छे से। तो इसे हम पलट लेंगे, तो ये दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं। तो इसे हम सर्व करेंगे, देखिए कितना अच्छा बना है। तो इसे हम सर्व करते हैं। तो ये मैंने एक डिश में निकाल लिया है, प्लेट में। तो ये हमारे बचे हुए चावल के नाश्ता बनके तैयार है, आप बनाइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाइए। इसे आप कम आंच पे बनाइए और बहुत टेस्टी लगता है, सभी को पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें ऐसे बचा हुआ, तो अगर आपके पास चावल है तो देखिए, ये जितना देखने में यमी लग रहा है उतना खाने में भी है। तो आप बनाइए और अपनी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व करिए। और फिर से मिलते हैं नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।